डॉक्टर नवनीत, ये जो स्थिति है जिसमें अस्पतालों को लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे ये जो पैनिक सिचुएशन है इससे बाहर निकलें, क्या ऐसा लगता है कि लंबे समय तक इस तरह की कमी बनी रहेगी? क्योंकि अभी पेशेंट्स को लेकर भी नहीं पता है कि हम कहाँ तक पीक पर जाएंगे, क्या ये संख्या, क्योंकि कोविड पेशेंट्स की भी बढ़ती रहेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, क्या आपको इस तरह के लॉन्ग टर्म बैकअप प्लान्स के बारे में सोचना पड़ रहा है? यानी क्या ऐसा लगता है अस्पतालों को कि लंबे समय तक ये कमी बनी रह सकती है? देखिए, पैंडमिक्स जल्दी से खत्म नहीं हो जाते और ये वेव्स जो आप बात करते हैं, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये आती रहेगी फ्यूचर में भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमीडिएट जो हमारे दिमाग में है वो ये बात नहीं है कि लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं। लॉन्ग टर्म तो ये चलने ही वाला है। ऑक्सीजन की जो कमी की बात कर रहे हैं वो इमीडिएट हमारी रिक्वायरमेंट है, वो इमीडिएट इश्यू है, राइट नाउ हमारे सिर के ऊपर है। इस समय लॉन्ग टर्म में हम क्या करें उसके ऊपर सोचा जा सकता है बाद में। इस समय आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका एक ही दिमाग में उनकी ये बात चल रही है, क्या मैं एक पेशेंट को इस समय मरने से बचा सकता हूं? क्योंकि ऑक्सीजन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे बगैर पेशेंट को दिए हुए चल सकते हैं जैसी सिचुएशन है। तो हालांकि आपके क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल यही है कि हाँ, ये लड़ाई पैंडेमिक के साथ लॉन्ग टर्म चलेगी। ऑक्सीजन की कमी एक शॉर्ट टर्म इशू है राइट नाउ, उसको अगर हम अभी रिजॉल्व करेंगे तभी पेशेंट्स बच पाएंगे। मुझे ये पक्का यकीन है कि जब ये प्रेजेंट क्राइसिस अगर हम इसको भी कंट्रोल कर लें इमीडिएटली, तब थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा सबको, वो चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको एक ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा ये सोचने के लिए अगर जब अगली वेव आती है तो क्या उसके लिए हम पूरे रेडी हो पाएंगे या नहीं। सो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने का अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त ये है कि हम इमीडिएट क्राइसिस को, अभी जो हमारे हॉस्पिटल के साथ चल रहा है उसको हम इमीडिएटली डील करें। नवनीत जी, एक और जो सवाल मैं पहले भी जानना चाह रही थी उसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या वाकई अभी अस्पतालों को कुछ मरीजों को इस वजह से मना करना पड़ रहा है या ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, आपको हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की इस वक्त इतनी ही ऑक्सीजन हमारे पास है और हम इतने ही पेशेंट्स को रख सकते हैं, क्या इस वजह से भी अस्पतालों को कुछ मरीजों को मना करना पड़ रहा है या उनको आप नहीं भर्ती कर पा रहे हैं, क्या ये दुविधा भी है क्या? ये बेशक सही बात है। देखिए, एक नॉर्मल जो पेशेंट होता है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर कोई ऐसी आपदा आन पड़े, जैसे लेते से कोई नेचुरल डिजास्टर है, उसमें आप कॉरिडोर्स में भी पेशेंट्स को ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। लेकिन जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है, जिस पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर आपके पास ऑक्सीजन ही ना हो तो आप क्या करेंगे? तो ये जरूरी है कि जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनको पता है कि वो इस लिमिट तक ही जा सकते हैं उन पेशेंट्स को जो वेंटिलेटर जिनको जरूरत है या जिनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। तो एक हॉस्पिटल कैसे लेगा एक पेशेंट को अगर उनको पता है कि मेरी लिमिट के बियॉन्ड मेरे पास ऑक्सीजन है ही नहीं? तो ये बात बिल्कुल सही है। कई अस्पतालों में अपनी लिमिट को देखते हुए क्रिटिकल पेशेंट्स को ये बोलना पड़ेगा, ये बहुत दुख की बात है लेकिन बोलना पड़ेगा कि सॉरी, इस समय हमारे पास बेड नहीं है, वो पेशेंट अंदर आके बगैर ऑक्सीजन के मर जाए, इससे अच्छा है कि वो पेशेंट ढूंढे कहीं और जहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल हो या बेड हो जहाँ पे शायद क्रिटिकल केयर की उस समय फैसिलिटी हो, शायद उस समय ऑक्सीजन की फैसिलिटी हो। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, इस समय आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बहुत जरूरत है। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन नहीं है, सब जानते हैं, न्यूज में आ रहा है, हर जगह मालूम है। तो क्या इस समय कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचा जा सकता है? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई हॉस्पिटल्स ने अपनी ऑक्सीजन कंजम्पशन को, जो उनके क्लिनिशियंस हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स की हैं ताकि ऑक्सीजन कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाए, उससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी ऑक्सीजन की पूरी जो मात्रा है उसको कम लाने के अंदर। ऐसे कई ऐसे छोटे छोटे इनोवेटिव तरीके अपनाने की बहुत जरूरत है क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की कमी है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं इनोवेटिव इस इमीडिएट सिचुएशन को टाइड ओवर करने के लिए? लेकिन ज़रूरत तो इसकी समय के साथ बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो ये तो समय के साथ हमारी ज़रूरत बढ़ रही है और जो शॉर्टेज है वो बनी हुई है, इस शॉर्टेज को जल्द से जल्द शायद दूर करने की ज़रूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।